हेलो फ्रेंड्स, बहुओं का शराब देखकर टेक्निकल स्काई यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल स्काई यूट्यूब चैनल। जिन लोगों को फास्ट वाला समझ में नहीं आता, उन लोगों के लिए है ये वाला। सो आज के इस वीडियो पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 5 बहुत ही कमाल के एंड्रॉइड टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो। बहुत ही कमाल के टिप्स एंड ट्रिक्स है, देखना इस वीडियो को लास्ट तक, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। लाइक भी कर देना। स्टार्ट करते हैं। सो जो पहला वाला एंड्रॉइड ट्रिक है वो एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो लोग अपने स्मार्टफोन पर एज ए कीबोर्ड कि गूगल का जो कीबोर्ड है उसको यूज करता है। एक्चुअली जो ट्रिक है वो ये है कि अगर आप इस कीबोर्ड पर जाके जो स्टिकर्स का ऑप्शन है उस पर आप चाहो तो अपने चेहरे के अकॉर्डिंग, अपने फेस के अकॉर्डिंग आप स्टिकर्स को जनरेट करवाओगे। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको अपना जो जीबोर्ड का एप्लीकेशन है उसको आपको अपडेट करना है प्ले स्टोर पर जाके। उसके बाद आपको यहाँ पर जो स्टिकर्स का ऑप्शन है उस पर जाओ। जाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ इस टाइप का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उस पर आपको टैप करना है एंड बूम, आप देख सकते हो कि आपका जो फ्रंट कैमरा है वो ओपन हो चुका है एंड आपका जो फेस है उसका एक पिक्चर जो है आपको यहाँ पर क्लिक करना है। एंड क्लिक करने के बाद ये एनालाइजिंग स्टार्ट कर देगा कि आपका जो चेहरा है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से स्टिकर्स जो है जनरेट कर सकता है जीबोर्ड। एंड यस, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत ही कमाल के आपके चेहरे के सिमिलैरिटी के साथ जो है यहाँ पर काफी सारे कमाल के स्टिकर्स अवेलेबल है डिफरेंट एक्टिविटीज के साथ। इनको आप किसी के साथ भी शेयर कर पाओगे। ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा पसंद आया, आप भी इसको ट्राई करके देख सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जो कि बहुत ही ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता है। सो आजकल तो फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डे चल रहा है एंड जो अमेजोन है उस पर आपको ग्रेट इंडियन वाला जो फेस्टिवल वो चल रहा है, जहां पर आपको बहुत ही कमाल के डील्स जो है देखने को मिल जाएंगे। लाइक बहुत ही ज्यादा सस्ते में जो है आप चीजों को परचेस कर सकते हो, बहुत ही कमाल का ऑफर्स है। सो ऑफर्स तो है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि इन ऑफर्स के साथ ही साथ आपको कैशबैक भी मिले तो फिर आप एक ट्रिक यूज कर सकते हो, जिसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है सेव मॉन्क। बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेबल एक एप्लीकेशन है जो कि आपको प्ले स्टोर पर देखने को मिल जाएगा। आपको बस इस एप्लीकेशन पर जाके जो है गूगल अकाउंट के जरिए आपको इसको लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के जो ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स है लाइक अमेजोन, फ्लिपकार्ट एंड जबोंग एंड और भी ऐसे बहुत सारे है लाइक मिंत्रा, इन पर आपको काफी सारे जो है कैशबैक देखने को मिल जाते हैं लाइक परसेंटेज के अकॉर्डिंग, उसके बाद रुपीस आप देख सकते हो। सो मान लीजिए कि आप किसी भी एक प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से परचेस करना चाहते हो तो फिर आपको यहाँ पर जो है एक्टिव कैशबैक पर टैप करना है। एंड टैप करने के बाद अगर आपके पास फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन है तो फिर आपको ये जो सेव मॉन्क है वो आपको फ्लिपकार्ट पे रिडायरेक्ट कर देगा, अदरवाइज आपको यहाँ पर वेबसाइट का भी डायरेक्ट लिंक आपको ओपन देखने को मिल जाएगा। सो ऐसे करके आप कैशबैक को जो है ले पाओगे, बहुत ही सिंपल तरीका है। एंड उसी के साथ आपको यहाँ पर टॉप कैशबैक का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको टॉप जितने भी कैशबैक्स आपको मिल सकता है उनका आपको यहाँ पर जो है सब कुछ शो करेगा, जो कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर और एक चीज बहुत ही कमाल का लगा मेरे को, वो ये है कि आपको यहाँ पर जो है इनवाइट एंड अर्न का ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। लाइक मान लो कि आप किसी को भी इस एप्लीकेशन पर किसी को भी इनवाइट करते हो तो फिर आपको यहाँ पर एक रेफरल कोड भी शो कर रहा है, जिसको अगर वो बंदा या फिर बंदी ऐड करता है उस एप्लीकेशन पर रजिस्ट्रेशन करते वक्त तो फिर वो आपके साथ लाइफ टाइम के लिए जुड़ जाएगा, क्योंकि वो जितनी भी चीज है इस एप्लीकेशन के थ्रू जाके परचेस करेगा किसी भी शॉपिंग साइट से तो फिर उस प्रोडक्ट से उसको जितना प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 20% आपको मिल जाएगा, मतलब लाइफ टाइम मिलेगा सच में। और जितना भी पैसा आप इस एप्लीकेशन के जरिए कमाओगे लाइक जो कैशबैक है उसको आप डायरेक्टली जो है अपने बैंक अकाउंट पर ट्रांसफर कर पाओगे, जो कि 3-4 दिन में ट्रांसफर हो जाता है, जो कि मेरे को बहुत ही ज्यादा सही लगा। आप ट्राई करके देखना गाइस, मतलब पैसा आपका बच जाएगा सच में। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है उसको अगर आप अप्लाई करोगे ना तो फिर आपका जो स्मार्टफोन यूज करने का तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इन्हेंस हो जाएगा, क्योंकि आप हुक्म दोगे और स्मार्टफोन काम करेगा। और जो कमांड्स है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिलीव मी। आप इसको एक तरीके से जो है रिमोटली एक्सेस या फिर कंट्रोल कह सकते हो, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ओके गूगल बोलने के बाद यहाँ पर बोलते हो कि ओपन यूट्यूब तो फिर ये फटाक से जो है यूट्यूब को ओपन कर देता है। एंड उसके बाद अगर आप यहाँ पर ये कमांड देते हो कि ओपन व्हाट्सएप
तो फिर ये फटाक से जो है व्हाट्सएप नामक एप्लीकेशन को ओपन कर देता है। उसके बाद आप चाहो तो सेट अ रिमाइंडर कह के आप यहाँ पर एक रिमाइंडर को ऐड कर सकते हो, जिसको आप भूल सकते हो, टेंडेंसी है उनको आप याद कर पाओगे। और अगर आपके अंदर नेक्स्ट लेवल का आलस है तो फिर आप एक काम कर सकते हो कि मेक अ कॉल बोल के यहाँ पर एक कॉल को आप जनरेट कर सकते हो। इवन आपको यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट है उनका नाम भी आपको सिलेक्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इसको आप बोल के कमांड दे सकते हो एंड फटाक से यहाँ पर कॉल लग जाएगा। और एक चीज, अगर आप यहाँ पर शज़ाम एप्लीकेशन को यूज करते हो किसी भी गाने का जो नाम है उसको जानने के लिए, तो फिर आप अभी के अभी इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, ये सॉरी आपकी मर्जी, क्योंकि आप सेम चीज को गूगल असिस्टेंट के जरिए करवा सकते हो। बस आपको यहाँ पर जो कमांड है उसको बोलना है कि व्हाट सॉन्ग इज दिस। जैसे आप इसको बोलोगे तो फिर यहाँ पर जो है शज़ाम की तरह यहाँ पर कुछ बार्स आपको शो करेगा। जब यहाँ पर बार्स शो करेंगे तभी आपको साथ ही साथ जो गाना चल रहा है उसके सामने इसको रखना है एंड फटाक से यहाँ पर जो गाना है वो यहाँ पर उसका नाम आपको शो करेगा। इवन यहाँ पर जो लिंक है लाइक ये गाना किन किन साइट पर अवेलेबल है वो सारे के सारे लिंक्स आपको नीचे शो कर रहा है। एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ पर इश्क वाला लव, सो जैसे ही मैं यहाँ पर YouTube पर टैप करता हूँ तो फिर YouTube पर मेरे को सेम गाना दिखाई दे रहा है। ऐसे ऐसे करके आप बहुत ही अच्छे तरीके से जो है Google असिस्टेंट को यूज करके कर सकते हो बहुत कुछ। उसके बाद जो नेक्स्ट ट्रिक है वो एक्चुअली क्रोम ब्राउजर जो एप्लीकेशन है उसके अकॉर्डिंग है। एक्चुअली बहुत सारे ट्रिक्स अवेलेबल है इसके अकॉर्डिंग, आई मीन की क्रोम ब्राउजर के अकॉर्डिंग। सो मैं इन सभी ट्रिक्स में से एक ट्रिक को मैं वीडियो पर मेंशन करूंगा, बाकी जितने भी ट्रिक्स है वो आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उससे आप जो ट्रिक है उनको आप देख सकते हो। सो जो ट्रिक है वो ये है कि आप जो है गूगल का जो सर्च बार है उस पर जाके आप काफी सारी यूनिक चीजों को अगर आप सर्च करोगे तो फिर आपको कुछ इन टाइप के एक्टिविटीज को मिल जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का है। लाइक अगर आप यहाँ पर गूगल 1980 करके सर्च करते हो एंड फर्स्ट वाला जो लिंक है उस पर टैप करते हो तो फिर आप देख सकते हो कि 1980 पर गूगल दिखने में कैसा था। आपको यहाँ पर जो है पूरा का पूरा इंटरफेस शो कर रहा है, इवन आपको यहाँ पर जो कीबोर्ड है वो भी यहाँ पर शो कर रहा है, लाइक जो पहले वाले कीबोर्ड होते थे वो आपको यहाँ पर शो करेगा, आप देख सकते हो। ऐसे और भी बहुत सारे कमाल के आपको सर्च लाइंस देखने को मिल जाते हैं, मैं इनको लाइन कहता हूँ, जिनको अप्लाई करने से आपको कुछ इन टाइप के एक्टिविटीज देखने को मिल जाता है जो कि रियली में बहुत ही ज्यादा यूनिक लगता है। सो ये सभी कमांड्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर जो लिंक है उस पर आप टाइप करो एंड देख सकते हो, काफी मजा आएगा आपको। गाइस आप अपने स्मार्टफोन पर जो है स्क्रीनशॉट कैसे लेते हो? एक तो है कि आप दोनों बटन्स को टैप करो उसके बाद स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाता है, और उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आप ऐसे करके तीनों उंगलियों को ऐसे करके मतलब कि स्वाइप डाउन कर सकते हो जिससे कि यहाँ पर स्क्रीनशॉट जो है वो क्लिक हो जाता है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन अगर आप इस सिंप्लिसिटी को और एक लेवल आगे ले जाना चाहते हो, लाइक सिर्फ यहाँ पर जो होम बटन है उस पर आपको सिर्फ होल्ड करके रखना है एंड बूम आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाएगा। इवन आप इस कैप्चर किए गए पिक्चर को जो है सेव करने से पहले इसको क्रॉप भी कर पाओगे मैनुअली। सो अगर आप इसको करना चाहते हो तो फिर डेफिनेटली आपको एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है स्क्रीनशॉट असिस्टेंट। असिस्टेंट क्यों नाम दिया गया है मेरे को पता है, क्योंकि गूगल असिस्टेंट जो है वो होम बटन पर होल्ड करने से ही आपको यहाँ पर शो करता है। सो यस, गूगल असिस्टेंट को हटा के आपको यहाँ पर जो इस एप्लीकेशन को ओपन करके असिसेबिलिटी को टर्न ऑन करके इसको अपने असिस्टेंट वाला जो बटन है उस पर आपको डालना है। आफ्टर दैट जब भी आप जो होम वाला बटन है उस पर टैप करोगे तो फिर आपका जो स्क्रीनशॉट है वो कैप्चर हो जाता है ऑटोमेटिकली एंड यहाँ पर जो पिक्चर है उसको आप क्रॉप करके जो है सेव कर पाओगे। बेसिकली मैं इस एप्लीकेशन को यूज करता हूँ आपके जो Q&A वाले कमेंट्स होते हैं उनको क्रॉप करके मैं सेव कर लेता हूँ इस एप्लीकेशन को यूज करके। सो चाहो तो आप इसको ट्राई करके देख सकते हो। सो ये था 5 बहुत ही कमाल के एंड्रॉइड ट्रिक्स एंड टिप्स। आपको इन सभी टिप्स एंड ट्रिक्स में से कौन सा वाला सबसे ज्यादा पसंद आया एंड क्यों पसंद आया, किस लिए, रीजन क्या है? और हाँ, जरूर से इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर से शेयर करना, अच्छा लगता है सच में। और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, सो गुड बाय।